वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक से जो है वो इस टाइम वापस आ गए हैं। बड़ा मज़ा आने वाला है, तो मज़ीद और भी लोगों से बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? किरण। आपका नाम? हफ्सा। आपका नाम? मुनीब। जोर से बोलिए। मुनीब। कौन सी क्लास में आप? मैं स्कूल नहीं जाता। आप? मैं सेवेंथ में। आप क्या करती हैं? मैं फ्री होती हूँ। ये आपका क्या रिलेशन है? ये मेरी सिस्टर है। ओके। यह? ये छोटा भाई है। ओके। तीनों में होती है कोई लड़ाई या कुछ? नहीं होगी आप? हाँ थोड़ी बहुत चल जाती है। वालेकुम अस्सलाम। होती है आपस में छोटी मोटी चीज़ों पे? किस बात पे होती है? ज़्यादा नहीं, कभी कभार चीज़ों पे हो जाती है लड़ाई के, चीज़ें कम ज़्यादा हो जाती। आप इसे मार पड़ी है कभी? नहीं, ये नहीं मारती। नाइस। चलिए जी, मुझे बताएं दुनिया में सबसे बड़ी आर्मी किस मुल्क की है? गैस? कोई हिंट? हाँ आप लो लो, गैस करो। हिंट पूछो, मैं आपको बताती हूँ क्या पूछना है। अमेरिका? टर्की। चलो हिंट दे देती हूँ आपको, उसकी चीज़ें हमारे मुल्क में आजकल बड़ी नज़र आती है। चाइना। क्लैपिंग करो। क्या सुनाएंगे? मैं टोटका सुना दूँगी कोई। आजकल जैसे सर्दियों में हाथ पांव बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं, तो इसके लिए है कि आप 2 टेबल स्पून वैसलीन और 2 टेबल स्पून लेमन जूस आप ऐड करें और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और रात को सोने से पहले अपने हाथों और पांव पे अच्छे तरीके से लगा लें। इसको इस रेसिपी को आप रेसिपी कह रही हूँ इस टोटके को आप मुसलसल एक हफ्ता यूज़ करें तो आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आएंगे। वेरी नाइस। आप? मैं एक रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। जब सर्दियाँ आती हैं तो अक्सर हमें वीकनेस आ जाती है, लेकिन उन वीकनेस को ख़त्म करने के लिए ड्राई फ्रूट्स लें जितनी जो आपको पसंद है। उसके बाद हनी ऐड करें और मेल्टेड शुगर ऐड करें। उसके बाद उसके अंदर अगर आपने चॉकलेट एसेंस या वनीला एसेंस ऐड करने आप कर दें और उनको बेक कर लें, आपकी सारी जो कमज़ोरियाँ आ जाएंगी वो दूर हो जाएंगी और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। वाओ बेटा, ये लो, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। वेलकम जी। इन्होंने जो है वो एक बहुत अच्छी जो है वो रेसिपी शेयर की और ज़रूर ट्राई करें। और वाकई में नट्स जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। हनी इज़ अ वेरी गुड थिंग। हाँ, लेकिन जो शुगर है इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, तो आप उस पर ब्राउन शुगर ऐड कर सकते हैं तो वो हेल्दी हो जाएगा। खैर, ये मज़े मज़े की चीज़ें ज़रूर ट्राई किया करें, विले बैठने की बजाय ऐसे काम करते रहा करें। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुशरा यूनुस। आपका नाम? फिजा। क्या नाम कह रही है? फिजा। कौन सी क्लास में है ये? भी स्कूल नहीं, एडमिशन नहीं की। ये आपकी? मेरी नवासी। नवासी है। आज बाहर कैसे आना हुआ? आज हम मूवी दिखाने आए बच्चों को। कौन सी? कौन सी मूवी है फिजा? डोंकी किंग। डोंकी किंग देख ली क्या? अभी देखनी है। देखनी है ना, अभी देखनी है। ओके चले जी, सवाल करते हैं। ठीक है जी, मुझे बताएं सबसे ज्यादा चावल किस बड़े आजम में खाए जाते हैं? बांग्लादेश में। आपके घर में खाए जाते हैं? हाँ जी, पाकिस्तान में बहुत खाए जाते हैं। आपके घर में कितने खाए जाते हैं? हफ्ते में कितने दिन आप लोग चावल खाते हैं? 3 दिन तकरीबन। अच्छा, 4 दिन। किस तरह? उबले हुए खाते हैं? बॉयल? बॉयल। हाँ, वो तो इतने डेंजरस नहीं है। चलिए जी, क्या शेयर करेंगे आप? मैं रेसिपी बताती हूँ फिश की रेसिपी। फिश लें आप, उसको सबसे पहले उसको नमक लगाएं, उसके बाद वो सिरका और आटा खुशका लगा के, खुशक आटा लगा के उसको अच्छी तरह धोना। उसके बाद लहसुन, जवाइन, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, गरम मसाला, ये सब चीज़ें डाल के उसके ऊपर लगा दें, उसको सारा ग्राइंड करके, और 3-4 दिन के बाद वो खाएं, बड़ी मज़े की बन जाए फ्राई करके। 3-4 दिन बाद क्यों? 3-4 दिन बाद इसलिए को अंदर तक चली जाती है ना उसका मसाला, उसी वगैरह खाओ तो अंदर से फीका बाइट से नमकीन मिर्चों वाला होगा। तो घर में कौन ज़्यादा शौक से बनवाता है? सारे मेरे शौक से खाते हैं, मैं खुद मसाला लगाती हूँ और मेरे बच्चे सारे खाते हैं, बहू बच्चे सारे। कितनी बहू हैं आपकी? एक बहू और 4 बेटी हैं। अच्छा। और एक बेटे की भी शादी करनी है, 6 बच्चे हैं मेरे। ओके, और दामाद कितने हैं? 4 दामाद, 4 बेटियाँ, चारों की शादी करनी बेटी। चारों की शादी। अच्छा, कोई है जो थोड़ा सा या दामाद या बहू किसी में से जो थोड़ा सा ज़्यादा करीब हो? मेरे ज़्यादा मेरा सबसे करीब है। अच्छा चले माशाल्लाह। ओके जी, आपने क्या सुनाना है? छोड़ दो ना, चलो सुना दो। इसके अंदर सुनाओ, इसके अंदर। हाउ आई वंडर व्हाट यू स्टार।
थी ना, बाबा को आवाज़ आया वेरी नाइस। ये ले जी, लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए। थैंक यू, यू वेलकम जी। इन्होंने जो है वो रेसिपी बताई आपको फिश की, और इन्होंने जैसे कि आपको एक टिप दी कि अगर आप उसको 4-5 दिन पहले ही मसाला वगैरह लगा के रख देंगे तो जब आप फ्राई करेंगे जो टेस्ट है तो वो डबल से भी ज्यादा हो जाएगा, सुपर से भी ऊपर जो है उसका वो टेस्ट हो जाएगा। हाँ, एक मिनट एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी है, तो उसकी जो है वो टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप जो है इस टिप पे ज़रूर फोकस करें, ज़्यादा दिनों के लिए आप भी जो है मसाला लगा के उसमें रख दें तो जो है वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट होगा। और जैसे कि इन्होंने बताया कि इनके घर में 4-5 दिन जो है वो चावल खाए जाते हैं हफ्ते में, दिस इज़ नॉट गुड। कम करें राइस को, क्योंकि जब राइस बनते हैं ना तो लोग खाते भी ज़्यादा हैं, ये नहीं खाते कि एक बाउल खा लें, वो प्रॉपर दो दो प्लेट भर के खाते हैं, तो ये हेल्दी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अमीर हमजा नाम है। अमीर हमजा। अमीर हमजा, किसने रखा नाम? दादी अम्मा ने। दादी अम्मा है अभी माशाल्लाह? नहीं, अल्लाह को प्यारी हो गए, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। चले जी, आज कैसे आना हुआ? डोंकी किंग मूवी देखने। ओके, अभी तक देखी नहीं थी? देख ली है। हाँ, अभी तक नहीं देखी, बस बच्चों के साथ। अच्छी लगी? अच्छी है, सही है। बच्चों के लिए। वैसे आप एनिमेशन देखते हो? एनिमेटेड। अच्छा, कार्टून में कौन कौन सी मूवीज देखी हुई हैं? हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन देखे हैं, तीनों पार्ट। अभी तीसरा आया नहीं है। मैंने तीनों पार्ट देखे हैं। ट्रेन योर ड्रैगन 1-2 आए हैं, 3 19 में रिलीज होगा। नहीं, तीसरा भी है? मैंने नहीं देखा तीसरा। लास्ट वाला कौन सा देखा था जिसमें वो बच्चा उनका जो है वो बड़ा हो जाता है? हाँ, बड़ा हो जाता है और उसके फादर की डेथ हो जाती है, मदर। वो वाला लास्ट है, वो सेकेंड है। और उसमें जो ब्लैक वाला उन्होंने ड्रैगन, हाँ ये वही वाला। अच्छा, तुमने गौर से देखी थी मूवी? हाँ। अच्छा, मुझे बताओ जो ब्लैक ड्रैगन था जिसका पर साइड टूट गया था उसका नाम क्या था? उसका पोपला नाम उसे बोला था, पी से था, क्या था? पोपला बोलते थे उसे, टूथलेस वैसे सही नाम उसका। ओके, वेरी नाइस। इसके अलावा कौन सा पसंद? इसके अलावा काफी देखी है, इपिक देखी है, इपिक और मिनियंस देखी है। मिनियंस भी सारे देखे, सारे देखे, सारे देखे। फोर है ना? फोर है, बिल्कुल। सबसे अच्छा कौन सा लगा? ये लास्ट वाले, ऐसी बात है, वो अपडेट था, वो ही अच्छा लगा। ओके, इसके अलावा कौन सा कार्टून करेक्टर है जो बहुत पसंद हो? आइस एज में वो जो एक छोटा सा है ना, जो छोटे जुड़वा, उनका नाम नहीं, उसके दांत। जी बिल्कुल, हाँ। वो वाले, वो ठीक हो गया। चले जी, कौन सी मूवी है जिसकी एनिमेटेड, जिसके आपको पार्ट आने का इंतजार हो कार्टून? ऑफ कोर्स हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन। अच्छा, क्या लगता है फ्रोजन का दोबारा क्यों नहीं आया, जबकि वो इतनी उसने आई थिंक बिजनेस किया था, सबसे ज्यादा वन ऑफ द। हाँ, उसकी स्टोरी नहीं आगे मेरे ख्याल से की बनती, इस वजह से नहीं आया। चले जी, खैर बहुत बातें होगी इसके ऊपर, मैं आपसे सवाल करती हूँ। मुझे बताएं दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जिसकी आर्मी सबसे ज्यादा बड़ी है? आर्मी सबसे ज्यादा बड़ी पाकिस्तान को। बड़ी बड़ी बोल रही हूँ, अच्छी नहीं पूछ रही, बड़ी पूछ रही हूँ। इंडिया, इंडिया क्योंकि काफी बड़ा मुल्क है, उसकी आर्मी ज्यादा होगी। इंडिया से भी बड़े मुल्क हैं। No idea. सॉन्ग सुना। मैंने तो धीरे से नींदों के धागे से बांधा है ख्वाब को तेरे, मैं ना जहां चाहूं ना आसमां चाहूं, आ जा हिस्से में तू मेरे। तुम एक मुसाफिर हो मैं कोई राह अनजानी, तुम एक मुसाफिर हो मैं कोई राह अनजानी, मुझे खुद में घोल दे तो ओ मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। वेरी नाइस, लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए। यू वेलकम जी, बड़ा मजा आया, हमने इनसे बात की। अमीर हमजा था ना इनका नाम, और अच्छी बात है वो भी जो है वो अच्छी जो है वो एनिमेटेड जो है वो सीरीज देखता है, कार्टून देखता है। इनसे बच्चों को ये आप उल्टी सीधी चीज़ें जो हैं वो बच्चे देखते रहते हैं,
یہ جس میں بہت سپر پاورز دکھائی جاتی ہیں, بیٹ مین ہو گیا. دیز کارٹونز آر ویری اگریسو, یو نو, ان میں بہت زیادہ اگریشن ہے, فائٹس ہیں. ریدر پریفر ان کو ایسی چیزیں دکھانے کے بجائے اس کو مینینز دکھایا کریں. اس طرح کے جو ہے وہ کارٹونز یا اینیمیشن جو ہیں یا اینیمیٹڈ موویز جو ہیں, جب آپ ان کو دکھائیں گے تو ان کا موڈ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ اچھا ہوگا. اس طرح کے کارٹونز میں کیا ہوتا ہے کہ وہ فنی اسپیکٹ پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں, تو بچے جو ہیں وہ ننجا, بیٹ مین یا پاورفل بننے کی بجائے وہ بھی اس طرح کے فنی اور کیوٹ حرکتیں کریں گے جو ان کے مینٹل سچویشن کے لیے بہت ضروری ہیں. سو پلیز آپ لوگ ضرور فوکس کیا کریں کہ آپ کے بچے کیا دیکھ رہے ہیں, اپنا ٹائم بچانے کے لیے. کہ بچوں کو کسی بھی جگہ آپ لوگ ٹیبلٹ یا ٹی وی پہ موویز لگا کے دے دیتے ہیں اور بٹھا دیتے ہیں, اور آپ کو نہیں فوکس ہوتا جو بچوں کو دیکھ رہے ہیں وہ آپ ان کے لیے ہیلدی ہیں بھی یا نہیں. تو پلیز ضرور دیکھا کریں. السلام علیکم. آپ کا نام؟ علیزہ مروا. کون سی کلاس؟ نائنتھ. میں ہوں. کیا عمر ہے؟ 15 ایئرس. بڑی چھوٹی لگتی ہو. اوکے, اور بھی ہے بہن بھائی کوئی؟ اکڑ بکڑ بمبے بو. بولو. اکڑ بکڑ بمبے بو. اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ون ٹو تھری. پتا ہوگا آپ کو, اکثر گیمس کے شروع میں ہم بولتے ہیں. اسٹارٹ. اکڑ بکڑ بمبے بو. اس کو ایک اور بھی بولتے ہیں نا ہم ورژن گیمس میں. چلو بتاؤ کون کون سے بولتے ہیں. نہیں آ رہا, ہیلپ کر دو. جیسے وہ ہے ریڈی, ون ٹو تھری, اس طرح کے ہے نا. اور کون کون سے بولتے ہیں؟ ایپل. نہیں, ون ٹو تھری ایپل گو. اور کون سے بولتے ہیں؟ ریڈی گو. ریڈی گو. ہاں, اور ریڈی گو کے بعد فور. اکڑ بکڑ بمبے بو فور ہیں. کون سے ہیں؟ نو, آپ کو پتا ہے اس کا؟ اے بی. نہیں. اوکے, ایک ورڈ بتاؤ. اینی. آپ لوگوں کو واقعی؟ اچھا چلو خیر, کیا سناؤ گے؟ پوئم سنائیں گے. اور آپ لوگ؟ میں سانگ سنا. اور آپ؟ باری باری تینوں سنا. دیکھو بچو ہاتھی آیا, ساتھ میں اپنا بچہ لایا, چھوتی چھوتی آنکھوں والا, بڑے بڑے کانوں والا, سون سے پانی پیتا, چڑیا گھر میں رہتا تھا, جو بھی سود میں پیسے ڈالے اس کو سیل کراتا تھا. ملے ہو تم ہم کو بڑے نصیبوں سے, چرایا ہے میں نے قسمت کی لکیروں سے. ملے ہو تم ہم کو بڑے نصیبوں سے, چرایا ہے میں نے قسمت کی لکیروں سے. ابو لائے موٹا کا اس کے لیے بچے بچے چلتی ہے, پوں پوں کرتی ہے, آگے جائے پیچھے جائے, ڈائیں بائیں مڑ جائے. ویری نائس. بہن بھائیوں ادھر ہو جاؤ. مجھے بتاؤ آپ ہی مارتی ہے؟ نو سسٹر نہیں, میں اس کی کزن ہوں. اس سے کزن ہو؟ یہ دونوں بہن بھائی ہیں چھوٹے؟ یس. آپ کزن ہو, کیسے, کس کی بیٹے ہو آپ؟ میں اس کے, یہ میں اس, یہ میرے چاچو کی بیٹی ہے. اوکے, چاچو کی بیٹی ہے. کٹھے رہتے ہو؟ جی, جوائنٹ فیملی. تو بہنوں کی طرح ہی رہتے ہو؟ لڑتے ہو؟ نہیں, سسٹرز کی طرح رہتے. تو ڈانٹ پڑتی ہے آپ ہی سے؟ نو. شرارتیں کرتی ہے بہت زیادہ. اچھا, کیا ہوتا ہے آپ کی, کیا ہوتا ہے آپ کی کاپیز یا کسی بھی چیز کو آگے خراب کرتی ہے؟ جب پڑھ رہے ہو تنگ کرنے لگ جائے گی, پھر جب کھیل رہے ہو مارے گی, پھر سب کے ساتھ لڑتی ہے. اور آپ بتائیں؟ بہت شرارتی ہے. اچھا, بہت. لاہور نیوز کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے گئے. تھینک یو. جی, بہت پیارے سے جو ہیں یہ بچے تھے, اور یہ اکڑ بکڑ بمبے بو, یہ جو ہے اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں, یہ یقیناً جو گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ اس وقت ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں وہ پریشان ہو رہے ہوں گے, یار ویسے اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں. تو پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے. آپ نے جن بچوں کو, ابھی ان بچوں کو کیونکہ میں بھی کیمرہ کی وجہ سے ان لوگوں کو بھول گیا, ان لوگوں کو سمجھ نہیں آیا, یہ آپ کو پتا ہے, میں نے پہلا ہنٹ بھی دے دیا تھا. اینی
आगे अब आप लोगों ने सोचना है कि इसके आगे क्या है, तो जो है वो इसका वो हम इंग्लिश में। जी नाजरीन, टाइम हो गया है एक ब्रेक का, सो लेट्स हैव अ ब्रेक।